नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपके सामने अपने चैनल पे एक नया सेक्शन लेके आई हूँ। एक सेक्शन मैं आपके सामने मार्केट में जो भी पुस्तकें उपलब्ध है हिंदी साहित्य की प्रतियोगिता मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी पुस्तकें उपलब्ध है उनके इंडेक्स में क्या क्या दिया है, उनकी भाषा किस तरह की है, उनका मूल्य क्या क्या है, ये सब मैं आपके सामने लेकर आऊंगी ताकि आपको पुस्तकें खरीदते टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना पड़े। मैं अमेजोन पे उसकी रेटिंग आपको दिखाऊंगी और उसके बाद में पुस्तक की पूरी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए किस परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तक अच्छी है। कभी भी परीक्षाओं के लिए आप दूसरों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, वहां हमें अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। दूसरे ने बता दिया है कि ये परीक्षा किताब ले लीजिए हो जाएगा, नहीं, आप पहले उसको देखें समझें और आपके पढ़ने के लिए वो ठीक है कि नहीं या आपकी जो तरीका है उसके वो अनुरूप पुस्तक है कि नहीं, इसको स्वयं समझ के पुस्तकें खरीदनी चाहिए। कुछ लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार की पुस्तकों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उनको उससे ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ को तथ्य परक पुस्तकें अच्छी लगती हैं, कुछ व्याख्यात्मक पुस्तकें जल्दी से समझ लेते हैं। हालांकि पढ़नी आपको लगभग अच्छी तैयारी करनी तो आपको सभी कुछ देखना होता है, फिर भी आपके लिए क्या बेहतर है एक बार खुद समझे खुद जाने। चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो में मैं अपने ही पुस्तक की समीक्षा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये पुस्तक है हमारे सामने नवीन तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन, इनकी इसकी लेखिका है पूर्णिमा प्रदीप द्विवेदी जी और ये इसका संशोधित संस्करण है। इसमें दिया हुआ है ये नेट जेआरएफ प्राध्यापक परीक्षा पीजीटी और अन्य जितने भी हिंदी विषय संबंधी परीक्षाएं उनके लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण तथ्यों का अद्वितीय संकलन है शॉर्ट ट्रिक के साथ, ऐसा इसके बुक के कवर पेज पे दिया हुआ है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात की करते हैं तो अब तक 8 लोगों ने इसको रेटिंग दी है और 5 स्टार्स बुक को मिले हैं, कमेंट्स भी अच्छे हैं और पुस्तक का मूल्य 470 रुपए है लेकिन अभी ये अमेजोन पे उपलब्ध नहीं है लॉकडाउन की वजह से। पुस्तक जिसको भी लेनी हो वो मेरे नंबर पर सीधा संपर्क करके पुस्तक को खरीद सकते हैं। या मैं एक चीज आपको ये बताऊंगी कि ये वाली पुस्तक आपको नहीं खरीदनी है, बिल्कुल नहीं खरीदनी है क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां भी रह गई हैं और इसकी पुस्तक की कोई भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये पुस्तक मेरी तरफ से नहीं उपलब्ध है, मेरी तरफ से नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अब बात करते हैं पुस्तक की इंडेक्स की, अनुक्रमणिका की, पुस्तक में दिया क्या क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, समझिए कि ये पुस्तक वास्तव में आपके लिए उपयोगी है या नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इसका फॉन्ट मेरा लैपटॉप क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है तो एक आध जगह आपको शा और सा वाली प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी, ठीक है। पुस्तक का मूल्य 455 रुपए दिया गया है और जो अमेज़न पे आपको मूल्य बताया गया है वो आपका जो भी चार्ज लगता है डिलीवरी चार्ज उसके सही, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है नेट जेआरएफ प्राध्यापक परीक्षा पीजीटी आदि हिंदी विषय की परीक्षाओं हेतु विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का अद्वितीय संकलन शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं इसके इंडेक्स में क्या क्या है। अनुक्रमणिका की बात करें तो इसके पहले अध्याय जो है हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें क्या क्या दिया है, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की विशेषताएं आप देख लीजिएगा और इसके बाद में वर्गीकरण दिया हुआ है, बोलियां, उसके क्षेत्र, देवनागरी लिपि, उसके गुण दोष, जो भी संशोधन मानकीकरण, उसके बाद में उदय अवधि भाषा का उदय और ब्रज भाषा का उदय तथा विकास दिया हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का विकास क्रम, हिंदी के विविध रूप, ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला, उसका वर्गीकरण, आधार तथा स्थान, हिंदी भाषा विज्ञान,
भाषा विज्ञान में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडित ध्वनियों के बारे में दिया हुआ है, फिर विदेशी शब्द सूचियां दी हुई है। आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके इंडेक्स से मिला लिया करिए। यदि पुस्तक में 70-80% तक आपको चीजें मिल रही, अगर कहीं 100% मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए, अदरवाइज इसके हिसाब से आप पुस्तक को चयनित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है संचार माध्यम हिंदी भाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, राजभाषा आयोग और साहित्य इतिहास स्रोत सामग्री, हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां, विकास परंपरा के ग्रंथ, लेखक और उनके ग्रंथ, फिर काल विभाजन दिया हुआ है, उसके बाद अगले उसमें दिया हुआ है आदिकाल। आदिकाल के बारे में पूरी डिटेल दी है जिसमें समय सीमा, नामकरण, प्रवृत्तियां, अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन साहित्य, रासोकाव्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, फिर आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल की सभी जो विशेषताएं हैं, भक्तिकालीन दर्शन, गुरु शिष्य विभाजन, निर्गुण सगुण भक्तिधारा, अकबरकालीन काव्य, फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिकाल का विभाजन, प्रमुख कवि, है ना, फिर आधुनिक काल में देख लीजिए ये आपका दिया हुआ है भारतीय दुर्युग, द्विवेदी, छायावाद, छायावाद उत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, संपूर्ण कविता, महत्वपूर्ण कविता आंदोलन, ये सारे दिए गए हैं। इधर आप आइए तो प्रमुख प्रबंध काव्यों को पढ़ने विषय दिए हैं, जो भी प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है उनमें किन चीजों को पढ़ना है वो दिया गया है, फिर गद्य गीत, निबंध, आलोचना, उपन्यास, प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके पात्र कहानियां, उनके पात्र नाटक, नाटक के में क्या दिया गया है, नाटक के तत्व, उसकी अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियां और सबके उदाहरण चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर दिए हैं। नाटक का विकास, प्रमुख नाटककार और पाठ्यक्रम पर आधारित प्रमुख नाटकों के विवरण और प्रमुख पात्र भी दिए गए हैं। इसी तरह से हिंदी रंगमंच और उसके विकास के चरण, हिंदी का लोकमंच, नुक्कड़ नाटक, पद्य, एकांकी, गीत नाट्य, रेडियो रूपक, एकांकी, कथेतर गद्य में दिया हुआ है, आत्मकथा संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, साहित्य साक्षात्कार, डायरी, पत्रकारिता, पुरस्कार, विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रमुख रचनाकार, उनके उपनाम और उपाधियां, प्रवासी हिंदी साहित्य, उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र दिया है जिसमें लक्षण, स्वरूप, प्रयोजन, हेतु, गुण, दोष, शब्द शक्तियां, प्रमुख संप्रदाय, जैसे रस संप्रदाय है उसकी पूरी डिटेल दी गई है, प्रमुख व्याख्या क्या, साधारणीकरण, फिर रस, उसके अवयव और रस के दोष, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का काव्य आंदोलन, पाश्चात्य विद्वान और उनकी पुस्तकें, आलोचना, उनके ग्रंथ, अनुकरण सिद्धांत, जितने भी आपके सिद्धांत हैं ये देखिए वो सारे दिए हुए हैं, सिद्धांत और प्रमुख बात जो आपके नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं सारे यहाँ पर दे रखे हैं। और उसके आगे अगर हम देखें तो मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये फॉन्ट में समस्या है, मेरा लैपटॉप नहीं सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा अस्तित्व, मूलक विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ये आपको देखने को मिल जाएगा। पुस्तक इस तरह से दी हुई है, भाषा प्रवाह, ठीक है, मैं एक दो पेज आपको इसके दिखा दे रही हूँ ताकि आप समझ सके। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ा देती हूँ, पूरा दिखाना तो संभव नहीं है। यहाँ पे ये लिपि के विकास की अवस्थाएं हैं, ये देखिए लिपि विकास का क्रम दिया हुआ है, ये पूरा लिपि का है, दोष, गुण, उनके संशोधन, वाक्यीकरण, ये देखिए प्रयोग के आधार पे हिंदी के प्रमुख स्वरूप और ये काव्य भाषा की अवधि का है, इसके बाद अवधि की प्रमुख रचनाएं दी हैं, फिर ब्रज का उदय तथा विकास है, इसके बाद यहाँ ब्रज की प्रमुख रचनाएं दी है, ब्रज भाषा की प्रमुख रचनाएं, फिर खड़ी बोली का है, खड़ी बोली का आरंभ, विशेषताएं
और ये खड़ी बोली की प्रमुख रचनाएं। उसके बाद में यहाँ पे हिंदी का देखिए, हिंदी के विविध रूप दिए हुए हैं। सभी आपकी जो भी परीक्षा में पूछी जाती है महत्वपूर्ण चीज में दे रहा। फिर यहाँ ये वर्णमाला संबंधित है, ये देखिए यहाँ पे ये ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, ठीक है। यहाँ खंड और खंडेतर ध्वनियां है और इसी तरह से पुस्तक आगे बढ़े। प्रमुख संस्थाएं, विदेशी शब्द, संचार माध्यम में हिंदी, अनुच्छेद, ये साहित्य स्रोत सामग्री दी गई है। और ये देखिए काल विभाजन तथा नामकरण, आदिकाल, मैं एक बार दिखा देती हूँ कवियों के, इस तरह से इसमें डिटेल दी गई है, जो जो जितने प्रमुख कवि हैं उनके बारे में उसी तरह से चीजों को किया हुआ। ये देखिए मैं सारी पुस्तकों को इसी तरह से आपके सामने रखूंगी ताकि आप अच्छे से निर्णय ले सकें कि आपको पुस्तक खरीदनी है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स की बात की गई है, इस तरह से ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं। जैसे आपको पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता में जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं उनको 10,000 मुनि कुमार है, और ये कर्नल श्यामो, बहुत छोटे छोटे से शब्द को याद करके आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। ये विद्यापति के बारे में डिटेल में दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ आपके 10 मिनट, ये देखिए 10 मिनट लगेंगे, और जब आप मार्केट से गलत पुस्तक ले आते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद, ठीक है। ये देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप देख रहे हैं इसमें दी हुई है। इसके अलावा इसने नेट का ज्यादातर, जो नेट का नया वाला सिलेबस है उसका ज्यादातर कोर्स कवर कर रखा है। हाँ, जो उपन्यास वगैरह का जो विस्तृत पूछा गया है वो कुछ आपको अलग से देखना पड़ सकता है। बाकी अगर ये पुस्तक आपको पूरी तैयार है तो लगभग 90% प्रश्न आपको इसी पुस्तक से मिल जाएंगे, और वरना आप पुस्तक को उठा करके देख लीजिएगा, पुराने जितने भी आपके प्रश्न है उनसे बता कर। ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है। मैं इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में क्या दिया गया है, किस तरह दिया गया है, नगेंद्र जी और जितनी भी प्रतियोगिता में व्याकरण संबंधी पुस्तकें हैं सबको आपके सामने रख। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं किस तरह की बुक है, क्या दिया है, और कई बार लोग किसी उसमें आके अगर आपको सजेस्ट कर देते हैं और बाद में आपको नहीं समझ आती है, तो यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी, आपको दिखा दूंगी, आप स्वयं समझ लीजिए। अगर कमी की बात करें तो इस पुस्तक में आपको कुछ टंकड़गत अशुद्धियां मिल सकती हैं, फैक्ट संबंधी कमियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि पुस्तक में अगर आप नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के ही तथ्य इसमें रखे गए, यदि आपको कुछ तथ्य इधर उधर मिलते हैं तो आप इन दो पुस्तकों से एक बार मिला लीजिए, इसके इतर आपको फैक्ट इसमें नहीं मिलेगी। कुछ रामचंद्र शुक्ल जी के और नगेंद्र जी को ज्यादा प्रेफर किया गया है क्योंकि उनसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑथेंटिक भी वो माने जाते हैं आयोग की तरफ से, ठीक है। बाद में इसमें संस्कृत भी दिया हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए निराला जी का डिटेल दिया है इस तरह, ठीक है। अभी मैं जल्दी से पढ़ा करके आपको दिखा देती हूँ। अगर इस पुस्तक को आप तैयार कर लेते हैं, और इस पुस्तक को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आगे पढ़ने बैठें, आगे कुछ भी नए प्रश्न पढ़े तो पीछे के कुछ जितना भी आपने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन भी जरूर लाएं। ये देखिए संस्कृत साहित्य दिया गया है, प्रमुख कवि, साहित्यिक परिचय, लगभग जितना पूछा जाता है वो ज्यादातर इसी में से पूछा जाता है पीजीटी की परीक्षाओं में, है ना। तो अगर बात की जाए तो नेट की परीक्षाओं में ये लगभग आपका 80% पाठ्यक्रम कवर करती है, और अगर बात की जाए पीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में तो
उसमें आपको व्याकरण यानी कि संधि समास वगैरह अलग से देखने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ आपको इस पुस्तक के अंतर्गत मिल जाएगा। अगर ये पुस्तक आपको तैयार है, आप इसको एक जिसको कहते हैं ना हैंडबुक की तरह रिवीजन के लिए, ये पुस्तक आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। आपको अन्य पुस्तकों से रामचंद्र शुक्ल जी नगेंद्र जी से पढ़ने के बाद रिवीजन आप उनसे नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें दिया होता है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से इस पुस्तक को यदि तैयार कर लेते हैं तो आपकी कोई भी परीक्षा इससे रुकेगी नहीं, जितना मुझे लगता है। बाकी आप पुस्तक से मिलाकर पीछे जो भी आपकी परीक्षाएं हो चुकी है उनसे मिलाकर देख सकते हैं, आपको स्वयं समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसका ये है कि अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो डेली आप 10 पेज इसके पढ़िए, जब आगे के 10 पेज पढ़िए तो पीछे के 10 पेज का सरसरी तौर पे ही सही रिवीजन जरूर करिए और धीरे धीरे पुस्तक आपको अपनी लगने लगेगी, आपको याद होने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, तो जिनको टंकड़ कर कुछ अशुद्धियां जैसे मिल जाती हैं, कहीं थोड़ी बहुत शाह की समस्या आ जाए या इस तरह का कुछ समस्या नहीं है, उनके लिए पुस्तक अच्छी है, तैयारी के लिए इसको दिया जा सकता है, अन्य पुस्तकों के साथ रखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लेके आएंगे उमेश चंद तिवारी जी की और जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं सरस्वती पांडे जी की, सबकी इसी तरह से कि क्या उसने दिया है, कैसे कैसे तैयार करना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली पुस्तक समीक्षा के साथ। ये थी मेरी पहली पुस्तक जो कि मैंने अपनी पुस्तक डाल दी है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेक्शन कैसा लग रहा है, इसको आगे रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, कई ऐसी अच्छी पुस्तकें होती हैं जिनको के बारे में आपको जानकारी ही नहीं मिल पाती है, तो मैं वस्तुनिष्ठ प्रकार की और तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक सभी पुस्तकें आपके सामने लेकर आऊं ताकि आप अपने लिए अच्छी पुस्तकों का चयन कर सकें, अच्छी एक लाइब्रेरी अपने घर में तैयार कर सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा।